बिजनौर में शासन के आदेश से पहले ही एआरटीओ ने ई रिक्शों का रजिस्ट्रेशन कराने का फरमान जारी कर दिया और रजिस्ट्रेशन न कराने वाले रिक्शा चालकों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी, जिसके विरोध में आज रिक्शा यूनियन के नेतृत्व में रिक्शा चालकों ने बिजनौर की सड़कों पर प्रदर्शन किया और बाद में कलेक्ट्रेट परिसर पहुँचे, जहां उन्होंने बिजनौर जिला अधिकारी व भाजपा सदर विधायक सुची चौधरी को ज्ञापन दिया और एआरटीओ पर बेवजह उत्पीड़न करने का आरोप लगाकर कार्रवाई की मांग की। रिक्शा चालकों का कहना है कि जब सरकार से कोई आदेश ही जारी नहीं हुआ है तो एआरटीओ क्यों कार्रवाई का डर दिखा रहा है। रिक्शा चालकों के समर्थन में पहुंची सदर विधायिका सुची चौधरी ने लखनऊ जाकर रिक्शा पीड़ितों की बात रखने का आश्वासन दिया और जल्द ही मामले की निस्तारण की बात कही। फेडरेशन का अध्यक्ष, मैं ये कहना चाहता हूं, जब ये बिजनौर के अंदर एजेंसी खुली थी उसमें ये बैनर पे लिखा था नो टैक्स नो लाइसेंस नो प्रदूषण, तो जब सरकार ने क्यों नहीं इस पर ध्यान दिया। आज लोगों ने रिक्शा खरीद लिए, कर्ज ले लेंगे, तो अब सरकार कह रही है अवैध है, अगर ये बंद होती है तो रिक्शा गरीब चालक क्या करेगा। ये जो रिक्शा बिक रही है इन पर प्रतिबंध लगाया जाए, बस मैं चाहता हूँ ये रिक्शा ना बिका शहर के अंदर। ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि जिस तरह और जिन परिस्थितियों ने आप सभी ने मेरा और मेरे परिवार का सहयोग दिया है, आप सभी भी जानते हैं कि मेरे पति का जो उद्देश्य था राजनीति में आने का वो यही था कि हर गरीब वर्ग की जो भी समस्याएं होंगी उनका समाधान होगा। और जो आपने समस्या मुझे बताई है, मैं कल ही हम लोग लखनऊ जा रहे हैं और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी समस्या का समाधान बहुत जल्द से जल्द हो।